खबर उत्तर प्रदेश के बलिया जिले से है, जहां बलिया नगर विधानसभा चुनाव से लेकर मतगणना तक अपने आप में बेहद खास रहा। इस विधानसभा में समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी और पूर्व सपा मंत्री नारद राय और प्रदेश उपाध्यक्ष भाजपा प्रत्याशी दयाशंकर सिंह के बीच कांटे की टक्कर रही, लेकिन मतगणना के कुल 32 राउंड में सपा प्रत्याशी नारद राय एक बार फिर दयाशंकर सिंह को पछाड़ नहीं पाए। नतीजा यह रहा कि बीजेपी के दमदार प्रत्याशी दयाशंकर सिंह को जनता ने 1,00,000 से अधिक वोट देकर न केवल जीत का ताज पहनाया बल्कि अपना आशीर्वाद भी दिया। वहीं सपा प्रत्याशी नारद राय को लगभग 75,000 के आसपास वोट मिले हैं। जीत के बाद भाजपा समर्थकों में खुशी की लहर दौड़ पड़ी। सड़कों पर डीजे के तेज आवाज पर नाचते गाते उन्होंने जश्न मनाया। किसी ने होली खेली तो किसी ने दीपावली मना डाला। दयाशंकर सिंह भी अपने समर्थकों के साथ लोगों का आशीर्वाद ले रहे थे। ये तस्वीरें नगर विधानसभा की है, आप देख सकते हैं कि किस तरह से भाजपा के समर्थक और कार्यकर्ता जश्न में डूबे हैं। ये आज भारतीय जनता पार्टी का जो 300 नगर विधानसभा के प्रत्याशी आदरणीय दयाशंकर सिंह की जो जीत हुई है, NDA की सरकार थी जो कि हम अपना दल से हैं, इसलिए ये खुशी मनाई जा रही है। जो 1,00,000 से जो पार जीत हुई है हमारी, इसलिए हम खुशी मना रहे हैं। इसमें व्यापारी समाज, पटरी दुकानदार समाज की सबसे बड़ा अहम भूमिका रहा है, इसलिए हम खुशी मना रहे हैं। सभी बलिया के पत्रकार बंधु, हमारे प्रशासन के सहयोगी, हमारे जो लोग भी लगे हुए थे उनको और बलिया के एक एक मतदाता को मैं चरण वंदन करता हूं। और अनुप्रिया पटेल, नरेंद्र मोदी और योगी आदित्यनाथ और दयाशंकर सिंह की तरफ से कोटि कोटि बधाई देता हूं कि बलिया ने एक ऐतिहासिक जीत दर्ज की। जो गुंडे माफियों की सरकार हुआ करती थी उसको फेल करके, और हमारे दयाशंकर सिंह जी जो दया के धनी आदमी हैं उनको बलिया की जनता ने जिताया है, जो प्रदेश के उपाध्यक्ष हैं। और बलिया का विकास हम लोग चाहते हैं, युवा होने के नाते, व्यापारी होने के नाते, कि बलिया का कैसे विकास हो, इसके लिए हम लोगों ने बलिया ने डबल इंजन की सरकार ने जो कोरोना काल से लेके और जो पैकेज चलाई, जो राहत सामग्री बांटी और जो आवास दिए, शौचालय दिए, बलिया की जनता ने विकास के नाम पे मुहर लगाई है। CIBC इंडिया न्यूज़ की सभी खबरों को देखने के लिए लाल रंग की बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, घंटी जरूर दबाएं ताकि हमारी सभी खबरों के नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहें।